तो हे गाइस नमस्कार, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस 49568 भर्ती के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा 49568 भर्ती का सेकंड बैच मेडिकल और ट्रेनिंग के लिए तैयार है। मेडिकल और ट्रेनिंग कब होगा ये अभी तक प्रश्न बना हुआ था और अभी जाके क्लियर हो गया है। आपका मेडिकल 8 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। मेडिकल के तुरंत बाद आपकी JTC 22 अप्रैल से है और RTC 24 मई से है। आपको एक बात और बता दूँगा मैं कि 17,360 कैंडिडेट जाने हैं। मेरी पिछली वीडियो आप देखेंगे तो उसमें जो नोटिफिकेशन था यानी जो वायरल हो रहा था नोटिस, वो 14,000 कैंडिडेट को दर्शा रहा था। उसमें दिखाया जा रहा था कि 14,000 कैंडिडेट जाने हैं और मैंने उसमें आपको बताया था कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, दूसरा नोटिस आने वाला है, 14,000 कैंडिडेट नहीं जाएंगे, कैंडिडेट ज़्यादा जाएंगे। तो मैंने बोला था कि कम से कम सिविल के कैंडिडेट तो जाएंगे ही। तो आप इसमें देख सकते हैं नए नोटिस में उसमें दिया गया है 17,360 कैंडिडेट जाने हैं जो कि टोटल सिविल के कैंडिडेट हैं। इसके बाद जो तीसरा बैच बनेगा उसमें PSC के कैंडिडेट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वो नोटिस दिखाऊंगा। नोटिस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपको दिखाना, नोटिस कहाँ तक सही है और कहाँ तक फेक है इस बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूँगा। अगर ये जानना है आपको तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। तो दोस्तों एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेडिकल में क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी आपको, उस बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूं। और आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए, उसमें लिखिए अपना सवाल, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर रिप्लाई नहीं मिल पाता तो अगली वीडियो में आपको उस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा और इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, मैं इस बात का दावा करता हूँ। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले वो नोटिस देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों नोटिस है आपके सामने, मैं इसको पूरा पढ़ के तो नहीं बताऊँगा लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैं ज़रूर बताऊँगा। ये नोटिस कितना सही है और कितना फेक या गलत है इस बारे में मैं डिटेल में चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो में। तो ये नोटिस आप देख सकते हैं 19 फरवरी यानी कि आज की ही डेट है और आज की ही डेट में ये वायरल हो रहा है, आज की डेट का ये नोटिस है। ठीक है, आगे इसके विषय पर चर्चा करेंगे। इसका विषय है नागरिक आरक्षी, नागरिक पुलिस एवं आरक्षी PSC के पदों पर सीधी भर्ती 2018 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों कि चिकित्सा परीक्षा एवं चरित्र सत्यापन के संबंध में। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं चरित्र सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा के संबंध में ये नोटिस है। सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं कि नोटिस यहाँ तक, तो इस नोटिस में 14,000 जो कैंडिडेट ट्रेनिंग कर रहे हैं उनसे संबंधित दिया गया है और ये आपके मतलब की बात है। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें लिखा गया है उक्त के अतिरिक्त यानी कि जो 14,000 कैंडिडेट ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके अतिरिक्त, और उनके बारे में ही डिटेल में चर्चा की गई है ऊपर। अगर आप इसको पूरा पढ़ना चाहते हैं, पूरा देखना चाहते हैं, तो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जो मैंने हाल ही में क्रिएट किया है, कुछ कैंडिडेट के कहने पर मैंने वो क्रिएट किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस लिंक में आप जाइए और उसको ज्वाइन करिए, वहाँ सब कुछ मिल जाता है। क्या है कि अगर कोई भी न्यूज़ होती है तो मैं इसमें प्रोवाइड करा देता हूँ, छोटी छोटी न्यूज़ की मैं कोई भी वीडियो बनाकर नहीं डालता। और आप देख ही सकते हैं मैं बहुत ही कम वीडियो बनाता हूँ, कोई ज़्यादा कमेंट आते हैं तभी मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ। तो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि आरक्षी, नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म कॉन्स्टेबलरी के पदों पर सीधी भर्ती 2018 के चयनित 49,568 रिक्रूट आरक्षियों में से प्रशिक्षित किए जा रहे 14,000 आरक्षियों को छोड़कर शेष 35,568 आरक्षियों का दूसरे बैच में 17,360 अभ्यर्थियों का आधारभूत प्रशिक्षण कराए जाने की कार्रवाई संपादित की जानी है। आप देख सकते हैं 17,360 अभ्यर्थी जो कि नेक्स्ट बैच में ट्रेनिंग के लिए जाने हैं, इसमें यह दिया गया है। और मैं मोटा मोटा आपको पढ़ के सुना देता हूँ और मेन क्या चीज़ है आपकी, इसमें आप देख सकते हैं इसमें आपको दिया गया है कि द्वितीय चरण हेतु आरक्षी, नागरिक पुलिस के 17,360 अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा एवं चरित्र सत्यापन की कार्यवाही निम्नमत कराया जाना है। तो आप इसमें देख सकते हैं चिकित्सा परीक्षण आपका चरित्र सत्यापन 8/3/2021 यानी 8 मार्च से
शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपकी आती है जीटीसी, तो जीटीसी आपकी 22/4 यानी कि 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपकी आएगी आरटीसी, तो आरटीसी आपकी 24 मई से आपकी आरटीसी स्टार्ट हो रही है। तो आप देख ही सकते हैं 11 मई को फर्स्ट बैच की पीओपी हो रही है, तो आपके 8 से 10 दिन का टाइम मिल रहा है। उसके बाद आपका पीओपी के तुरंत बाद आपकी आरटीसी स्टार्ट हो जाएगी सेकंड बैच वालों के लिए। और थर्ड बैच की बात करें तो उसके 6 महीने बाद पीएससी का पूरा बैच जाना सुनिश्चित है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको इसमें क्लियर कर दूं, और जो 5 नंबर का पॉइंट है इसको आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म कॉन्स्टेबल पदों पर सीधी भर्ती 2018 के चयनित 49,568 रिक्रूट आरक्षियों में से प्रशिक्षित किए जा रहे 14,000 आरक्षियों को छोड़कर शेष आरक्षियों का 2 चरणों में आधारभूत प्रशिक्षण कराए जाने की कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उनका प्रशिक्षण 2 चरणों में पूरा करा लिया जाए। इससे महत्वपूर्ण सारी बातें मैं आपको बता दी हैं। अगर आपको और भी जानकारी लेनी है और भी इसको पूरा देखना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर आ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पे आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और आपको अगर कोई भी और भी सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगली वीडियो में ज़रूर मेंशन कर दिया जाएगा या फिर मैं कमेंट बॉक्स में ही आपका रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं और आपको बता दूँ कि ये नोटिस फेक है या रियल है। तो आपको एक बात बता दूँ कि ये नोटिस मैं फेक भी नहीं कह सकता और क्लियर रूप से इसे रियल भी नहीं कह सकता, क्योंकि इसकी सत्यता की जांच अभी मैं पूरी तरह से कर रहा हूं और जैसे ही ये सत्य हो जाता है मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि ये नोटिस सत्य है। और इसको फेक इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि आपको एक बात बता दूं, जो आपके मेडिकल होने हैं वो मार्च में होने हैं और आपकी जीटीसी अप्रैल में और आरटीसी आपकी मई में होनी है, तो ये नोटिस बिल्कुल भी फेक नहीं कहा जा सकता। और कितना रियल है इस बारे में आपको डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा। और ये रियल 90% तो रियल है, लेकिन अभी मैं क्लियर नहीं कर सकता क्योंकि अभी मैं इसकी जांच करा रहा हूँ, अभी मैं बात भी कर रहा हूँ। जैसे ही इसकी क्लियर हो जाता है कि ये रियल है या किसी ने अगर ये फेक भी बनाया है तो भी इस पर इतना तो विश्वास रखिए कि सिविल के टोटल 70,360 कैंडिडेट जाने हैं और मार्च में उनका मेडिकल होना है और अप्रैल में जीटीसी, मई में उसकी आरटीसी होनी है। इस बात पे आप टिके रहिए, बेशक ये फेक हो या फिर ये हो रियल। ठीक है दोस्तों, 70,360 कैंडिडेट जाएंगे, ये बात आप लिख के ले लो, चाहे ये फेक हो या रियल हो। वीडियो कैसा लगा वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारा चैनल पर हमारे चैनल पर दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को एक बार शेयर भी कर देना, क्योंकि शेयर करने से होगा क्या कि आपके सभी दोस्त जो भी हैं उनके सभी के पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूछ लीजिए।